छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में प्रदेश की शेष 70 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी रायपुर सहित अन्य विधानसभा सीटों के मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से ही मतदाता लंबी कतारों में लगकर अपना वोट डाल रहे हैं। मतदान केंद्रों में मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पुरुष और महिलाओं सहित बुजुर्ग मतदाता और नए मतदाता मतदान को लेकर काफी उत्सुक नजर आए। डेवलप हो अच्छे विकास में जाए तो मैं ये चाहती हूँ कि वही आगे बढ़े, वही जीते, मैं उसे डालना चाहूंगी जो हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा हो, हमारे इलाके के लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो, हमारा जो क्षेत्र है उसको डेवलप करे, सबके लिए अच्छा हो। बस मैं यही कि हमारा एजुकेशन और जो भी है हमारे लिए वो सब हमारे लिए हमें सपोर्ट। मतदान केंद्रों में आम मतदाता अपनी रोजमर्रा के काम छोड़कर पहली प्राथमिकता में वोट देने पहुंच रहे हैं। इनमें कई मजदूर वर्ग के ऐसे मतदाता भी नजर आए जो अपना वोट देने के लिए आज की मजदूरी को भी दरकिनार कर दिया है। वहीं घरेलू महिलाएं भी छोटे बच्चों को गोद में लेकर वोट देने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती रहीं।